तो दोस्तों देखो यार, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली जो है 3-4 यूट्यूब चैनल हैक हो चुके हैं, हैकर्स ने जो उनके चैनल को हैक कर लिया है। अब दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन यूट्यूबर्स ने जो है अपने चैनल पर ऐसी कौन सी गलती कर रखी थी जिनसे जो उनका चैनल हैक हो चुका है, और आप जो है अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हो, आपको अपने चैनल पर वो कौन कौन सी जो सेटिंग करके रखनी चाहिए जिससे जो आपका चैनल जो है कभी भी हैक ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों देखो यार, बहुत सारे यूट्यूबर्स का जो चैनल हैक हो चुका है, तो ऐसे में फिर मैंने सोचा कि आपको भी जो कुछ गाइडलाइन आपको बतानी चाहिए, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी चाहिए जिससे जो आप भी अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो है एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, अगर आपका ऑलरेडी एक चैनल है और उसके बाद भी अगर आप एक और नया चैनल खोलने की सोच रहे हो, तो इसी में जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नए चैनल के लिए आपको नई ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप सेम ईमेल आईडी पर अगर आप डबल चैनल बना लेते हो, अगर आप एक ही ईमेल आईडी पर जो है दो चैनल रन करते हो, तो ऐसे में आपको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हैकर अगर आपके एक चैनल को हैक करता है, तो ऐसे में आपका जो दोनों चैनल हैक हो जाएंगे। अगर वो आपकी ईमेल आईडी को हैक कर लेता है, तो ऐसे में जो आपके दोनों चैनल खतरे में हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए यार, यही जो सेम प्रॉब्लम है उन भाई के साथ हुआ था जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट किया था। उनके जो है दो यूट्यूब चैनल इसी वजह से हैक हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों चैनल को जो एक सिंगल ईमेल आईडी पर बना रखा था। तो इसलिए जो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप एक से ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो ऐसे में आप नए यूट्यूब चैनल के लिए जो नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, और आपको एडसेंस अकाउंट भी जो है दोनों का अलग अलग रखना है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने ईमेल आईडी को अपने अबाउट सेक्शन में देते हो, या फिर अपने व्यूवर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई ईमेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में देते हो, तो ऐसे में आपको वहां पर जो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी कभी भी नहीं देनी है। जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है, तो उस ईमेल आईडी को आपको जो कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, कहीं पर भी आपको अबाउट सेक्शन में नहीं देना है, कहीं पर भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं देना है। क्योंकि सभी लोग जो अपने बिजनेस इंक्वायरी के लिए जो एक ईमेल आईडी रखते हैं, जिससे जो कोई भी लोग जो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में जो ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वहां पर अपने चैनल की ईमेल आईडी को ही रख देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों देखिए, आपकी जो चैनल की ईमेल आईडी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे में जो आपको अपनी ईमेल आईडी को कहीं पर भी जो पब्लिक प्लेस में आपको शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, तो ऐसे में अगर आपके ईमेल आईडी किसी हैकर के पास पहुंच जाती है, तो हैकर जो आपकी ईमेल आईडी को हैक कर सकता है, और हैक करने के बाद आपका जो चैनल है वो भी हैक हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है, और उसी ईमेल आईडी को आपको अपने अबाउट सेक्शन में देनी है। अपने बिजनेस इंक्वायरी के लिए भी आपको जो उसी ईमेल आईडी को रखना है, आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अब दोस्तों यार, काफी लोग जो ये गलती पहले कर चुके हैं, काफी लोगों ने जो पहले से अपनी ईमेल आईडी को जो बहुत सारी जगह पर शेयर किया हुआ है, तो दोस्तों अगर आपने भी जो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को ऑलरेडी पहले शेयर कर चुके हो, तो ऐसे में आप इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चैनल को अपने किसी नई ईमेल आईडी पर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने चैनल को जो एक ब्रांड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। इसका फुल ट्यूटोरियल जो मैं आपको आने वाले टाइम पर आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आप अपने चैनल को ओल्ड ईमेल आईडी से जो है न्यू ईमेल आईडी पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसका जो है मैं आपको आने वाले टाइम में आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। दोस्तों तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से कहीं पर भी आपको अकाउंट नहीं बनाना है, ना ही आपको किसी एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना है, ना ही आपको किसी वेबसाइट पर जाकर कोई अकाउंट बनाना है। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को कहीं पर भी किसी और काम के लिए आपको यूज़ नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को केवल अपने चैनल के लिए रखना है, उससे जो है कहीं पर भी आपको अकाउंट नहीं बनाना है। इससे अगर आप गलती से ऐसी किसी वेबसाइट पर आप अगर अकाउंट बना लेते हो, जिससे जो आपका डाटा लीक हो सकता है, तो ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है। तो आपको जिस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से किसी भी एप्लीकेशन पर अकाउंट नहीं बनाना है, किसी भी वेबसाइट पर आपको अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आपको कहीं पर अकाउंट बनाना है, तो आप एक सेकेंडरी ईमेल का यूज कर सकते हो, आप अपने किसी दूसरी ईमेल से अकाउंट बना सकते हो, बाकी आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से कहीं पर भी अकाउंट नहीं बनाना है। अभी दोस्तों देखिए, चौथी सेटिंग को आपको जो बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स के जो है चैनल इसी गलती की वजह से हैक हुए हैं। दोस्तों अगर आपका एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे खासे जो व्यूज़ आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट करती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ऐसे में वो कंपनियाँ जो आपसे किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करवाने को बोलेगी, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करवाने को बोलेगी, तो ऐसे में आपको स्पॉन्सरशिप मेल को जो ध्यान से समझ लेना है, पहले उसकी जो पूरी जाँच पड़ताल कर लेनी है। अगर स्पॉन्सरशिप में आपको कोई लिंक मिलती है, अगर वो कंपनी आपको उस लिंक पर क्लिक करने को बोलती है, तो क्लिक करने से पहले आपको ये पूरी बात को चेक कर लेना है कि ये कोई फेक ईमेल तो नहीं होनी चाहिए, कोई हैकर की ईमेल नहीं है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, तो वहां पर वो हैकर आपको क्या बोल सकता है कि आपको यहां पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, और अगर आपकी ये कंफ्यूजन हो कि ये पता नहीं कोई हैकर की ईमेल है या फिर कोई जेन्युइन मेल है, तो आपको जो वहां पर अकाउंट अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से कभी भी नहीं बनाना है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको अगर कहीं पर भी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी सेकेंडरी ईमेल का यहां पर यूज कीजिए। अगर
आपको स्पॉन्सरशिप में कोई लिंक मिलती है जहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है, आपका नाम, आपका नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी, तो वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को कभी भी शेयर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर जो यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो वहाँ पर शेयर कर देते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल होती है वो हैकर के पास पहुँच जाती है और आपका जो अकाउंट है वो एक सेकंड के अंदर हैक हो जाता है। अगर कोई स्पॉन्सरशिप में आपसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर सकते हो, बाकी आपको अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आप अपने पर्सनल डिटेल का वहाँ पर यूज़ मत करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लास्ट और फाइनल सेटिंग यही कि सभी बोलते हैं कि आपको अपनी ईमेल आईडी का बहुत ही मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, एक ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जिसका जो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। तो दोस्तों देखो यार, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी जो मैं वीडियो बनाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर देखिए मैं छत पर बैठा हूँ और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। दोस्तों जो बारिश है बार बार चालू हो रही है, बंद हो जाती है, इस समय मेरे को जो बार बार यहाँ पर परेशानी हो रही है, मैं कम से कम 3-4 बार जो इस वीडियो को कट कर चुका हूँ, दोबारा से शूट कर चुका हूँ, लेकिन जो बारिश बार बार परेशान कर रही है। तो यार इस स्ट्रगल के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों मैं आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है इसको मजबूत बनाना है। एक ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है, वहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल यूज करना है, वहाँ पर आपको अल्फाबेट यूज करना है, वहाँ पर जो सिंबल होता है उनको यूज करके सभी को मिक्स करके एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसको जो कोई भी हैक ना कर सके। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी ईमेल आईडी पर आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एनेबल करके रखना है, क्योंकि खुद यूट्यूब और खुद गूगल भी आपको ये बोलते हैं कि आपको अपनी ईमेल आईडी पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपको एक्टिवेट करके रखना चाहिए, जिससे जो कोई भी हैकर आपकी जो ईमेल को जो जल्दी से हैक नहीं कर सकता, कोई भी हैकर जो है आपकी ईमेल आईडी से कोई भी ओटीपी को जो बाईपास नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से एनेबल करके रखना चाहिए। और दोस्तों यार सारी सेटिंग जो आपको अपने चैनल पर करके रखनी चाहिए, जिससे आपका जो चैनल है वो कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। हैकर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका जो चैनल वो कभी भी हैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है, उसी की मदद से जो हैकर आपके चैनल को हैक कर सकता है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं पर भी जो है विजिबल नहीं करोगे, कहीं पर भी अगर पब्लिक में शेयर नहीं करोगे, तो ऐसे में आपका जो चैनल कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस देखो यार, ये बारिश जो है बार बार बंद हो रही है, फिर से चालू हो जा रही है। देखो यार मेरे को जो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इस बारिश ने। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बता दी है, तो इस सारी सेटिंग को फॉलो करना और आपका जो चैनल कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।